बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरे प्यारे दोस्तों? आज मेरे किचन च बनता पे है चारी गोश्त। गोश्त लिया मैंने मटर का 1/2 किलो। आप चाहें कोई भी गोश्त में बना सकते हैं, बीफ में बनाएं, मटर में बनाएं। मैंने मटर लिया 1/2 किलो, मैंने मटर लिया। चले आएं मेरे साथ मिस किचन ब्लॉक में हम भी। बिस्मिल्लाह, पहले सबसे कढ़ाई रखते हैं। इधर कढ़ाई मैंने ली, इधर रख। अच्छा, कढ़ाई होती है गरम। मैं बिस्मिल्लाह 1 कप डालूंगी ऑयल। ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं डालती हूँ गोश्त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है शेयर करया करें, लाइक करया करें, मेरे चैनल नू सब्सक्राइब कर लें, तो बेल के बटन के दबा लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोग के सब मुश्किल मुसीबतें दूर करे। अल्लाह ताला आपको रहमत दे, साए थले रखे। तो आप लोग की खुशी होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है आप लोग की। जितने आप लोग हमें प्यार देते हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो दुख तकलीफ़ ना सब माफ़ करे आप लोग की। जो मेरी वीडियो देखता है अल्लाह ताला उसको भी रहमत दे, साए थले रखे। जो मेरी वीडियो नहीं देखता अल्लाह ताला उसको भी रहमत दे, साए थले रखे। हमारी तो दुआ ये हुई है कि या अल्लाह खुशहाली दे, दुनिया आखरत की नेमतें अदा फरमाना। आयल मेरा गर्म हो गया, बिस्मिल्लाह मैं दीप डाल देती हूँ। गोश्त मैंने नीचे डाल दिया, तो अच्छी तरह वो नहीं गिरी जो जरा कलर नहीं ना हो जाएगा। इंशाल्लाह कलर इसका देखें सही हो गया। अभी मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। भर के 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये मसाले कसूरी मेथी है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्चा है, 1 चम्मच दड़ा मिर्च है, धनिया पाउडर है, 1 बड़े चम्मच जीरा है, काली मिर्च है, नमक है, काली मिर्च 1/2 चम्मच, नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, ये मैं सारे मेरे मसाले हैं। अभी मैं ये मसाले इधर डाल दूंगी। ये कसूरी मेथी भी 1 चम्मच भर के है, लेकिन इसको मैंने मसल लिया ना तो वो तो हो गया। चार गोशे दे मसाले जा रहे हैं। 1/2 चम्मच कलवंजी, ये कलवंजी, ये सौंफ मैंने तवे पे हल्की हल्की गर्म करके ना तो इसको मैंने मसाला बना लिया, पीस लिया था। ये मेथी दाना, ये मगज मसाला बनाया था मैंने, ये गरम मसाला, ये कुछ सुरख मोटी मिर्च। ठीक है, फिर एक बारी बता देती हूँ, ये कलवंजी, ये सौंफ, मेथी दाना, ये मगज, ये गरम मसाला, ये मिर्ची। ठीक है, अभी ये जाएंगे इधर इसमें।
साथ थोड़ा जहा पानी डाल दूंगी ते मसाले साढ़े गलन ये मैं एक कप अद्धा कप दही डाल दूंगी मैं दही को मिक्स कर लूंगी। अभी मैं सारे को मिक्स करती हूँ। अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी 6 कप, तो पानी डाल के मैं 1 घंटे बाद हल्की आंच में रख दूंगी। 1 घंटे बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। दही मेरी खुश्क हो गई है, देखो मसाला बन गया माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त मसाला बना। आप ज़रूर ट्राई करना और क्या आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी रेसिपी जो भी होती है ना, ये देसी स्टाइल में होती है और क्या देसी स्टाइल गौं का स्टाइल होता है। अच्छा मैंने ली हैं ये 4 मिर्ची 2 टमाटर। आप मिर्ची चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 4 ले ली। तो अभी मैं इसको सारी को कटिंग कर लूँगी, तो फिर मैं मसाला भरूँगी इसमें। ठीक है, ऐसे कटिंग करके बीचों बीज निकाल के फिर मैं मसाला भरूँगी, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसी तरह कटिंग करके तो ये मैं बीज निकाल और क्या मैं सबसे बीज निकाल लिए इसी तरह, तो फिर मसाला बनाऊंगी। ठीक है, ये भी मैंने निकाल लिए, ये बीज लैदा कर लिए, ये देखिए ये बीज मैं लैदा होंगी। अच्छा अभी मैं आ जाती हूँ मसाले की, तो मसाला सबसे पहले डालूंगी मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला, धनिया पिसा, गरम मसाला वो मिक्स मसाला, ये जीरा पाउडर, ये जीरा, ये धड़ा मिर्च। ठीक हो गया, ये थोड़ा जी ना 1/2 चम्मच नमक। ठीक हो गया, अभी मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच दही। इसमें अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी, फिर देखूँ जी अगर दही और चाहिए। हाँ दही और चाहिए। एक चम्मच दही और ले ली, ये मेरा मसाला तैयार हो गया। ये देखें, ये मैंने इधर मिर्चा च मसाला भर लिया, ऐसे करके मसाला भर लेना सारिया मिर्चा च। ये देखें ये मसाला, ये मिर्च ली, तो ऐसे खोली तो मसाला भर। ठीक है, ये मैं सारिया मिर्चें भर लिए, ये देखें
अभी मैं इसको कटिंग करूँगी। अगर इसको कटिंग करूँगी, कटिंग मैंने कर ली है, ये देखिए ऐसे चाहिए हमें। कटिंग मैंने कर ली है, ये मर्चा मेरियाँ तैयार है। अभी चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ, गोश्त चार की तरफ चलते हैं। आए मेरे साथ मिस किचन में। बिस्मिल्लाह, अभी गोश्त चेक कर लेते हैं कि गलिया के या नहीं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया। क्या बहुत अच्छी तरह गल गया। एक मैं बोटी निकाल के ना तो दो के तो फिर मैं देखती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गल गया, बहुत अच्छा गल गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गल गया। अभी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं इसकी। अभी हम क्या करेंगे, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके ना गल गया, बहुत अच्छे तरीके ना बन गया। तो अभी हम बताते हैं, ये मैंने टमाटर कटे थे, ये इधर डाल। ये मैं सारे टमाटर इधर डाल दूँगी। ये मिर्चे, बिस्मिल्लाह, ये मिर्चे, ये मिर्चे, ये मैं मिर्ची रख देती ऊपर। बिस्मिल्लाह, कितना प्यारा कलर आया और खुशबू है, खुशबुआ तो बहुत आ रही है ना। अच्छा, इसको चूल्हा हल्का करेंगे तो अभी इसको 10 मिनट दम के लिए पकाएंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खतरनाक खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें 10 मिनट च सब कुछ, मिर्चे भी हमारी गल गई, टमाटर भी हमारे हो गए सही, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, अभी मैं इसको निकालती हूँ बीच में तो फिर आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी ये मेरी गोश्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खुशबू आ रही है चार गोश्त दी, माशाल्लाह। आप जरूर ट्राई करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ। ये देखिए जरूर ट्राई करना, माशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैं आप लोग को ट्राई करके बताती हूँ कैसा बनेगा। देखो हमारा गोश्त कितना अच्छा गल गया ना, माशाल्लाह। ये मैं आप लोग को ट्राई करती हूँ, उसमें ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनिया। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, वाकई ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला आप दो जहाँ नदियाँ खुशियाँ, दुनिया ते आखरत की खुशियाँ आपको नसीब करे। अल्लाह ताला
हर दुख तकलीफ आपको दूर करे आपके, अल्लाह ताला रहमत दे साए थले रखे, अल्लाह ताला जो तकलीफ है सब माफ़ करके अल्लाह ताला कर्म करे। डे दुआओं में याद रखना, ढेर सारियां दुआओं के साथ मुझे दो जायत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।